नमस्कार, nishamadhulika.com में आपका स्वागत है। आम का अचार सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला अचार है और ये बहुत सारे तरीक़ों से बनाया जाता है। हमने भी कई तरीके से आम का अचार बनाया है, लेकिन आज हम बिना तेल के आम का अचार बनाएंगे और ये अचार भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट होगा। तो आइए बिना तेल वाला आम का अचार बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए हमने 1 किलो आम ले लिए हैं। अचार वाले आम थोड़ी खट्टी वैरायटी के होते हैं और गोल होते हैं, इनमें पल्प भी थोड़ा ज़्यादा होता है। और जो हमारे यहाँ वैरायटी मिलती है इसको रामखेला आम बोला जाता है। नमक 1/2 कप से थोड़ा सा कम है और ग्राम्स में 100 ग्राम नमक है। सौंफ 2 टेबल स्पून और मेथी के दाने 2 टेबल स्पून और सिरका 1/2 कप, 2 टेबल स्पून हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर 2 टेबल स्पून और हींग पाउडर 1/2 छोटी चम्मच। ये हमने मसाले ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम अचार बनाने के लिए आम को काट करके तैयार करेंगे। तो हम आम को काट लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये हम आम का डंठल काट करके हटा देंगे और आम को छीलने की आवश्यकता नहीं है, आम का पल्प निकालेंगे हम। तो पल्प के लिए हम इस तरीके से मोटा मोटा पल्प पहले हम आम की गुठली के ऊपर से उतार कर रख लेंगे। ये आम हमने पहले से ही अच्छे तरीके से धो करके सुखा करके ले लिए हैं। ये सारा हमने पल्प निकाल लिया गुठली के ऊपर से। गुठली हम हटा देंगे और ये जो आम के टुकड़े हैं इन्हें हम छोटा छोटा काट लेंगे, क्योंकि अचार थोड़ा सा कम ही खाए जाते हैं तो छोटे छोटे पीसेस कटे हों तो सर्व करने में अचार को आसानी होती है। सारे आम इस तरीके से हम काट करके तैयार कर लेंगे। ये आम हमने काट करके तैयार कर लिए हैं और अब हम इसका अचार बनाएंगे। तो अचार बनाने के लिए हमारे पास ये साबुत सौंफ और साबुत मेथी के दाने हैं, इन्हें हम हल्का सा रोस्ट करेंगे। तो पैन को हम गर्म करते हैं और पैन में हम ये मेथी के दाने और सौंफ डाल करके बिल्कुल हल्का सा भून लेंगे, जस्ट 1 से 1.5 मिनट। मसालों के हमें कलर नहीं चेंज करने, मसालों को ज़्यादा नहीं भूनना है, मसालों को बिल्कुल हल्का सा भूनना है, जस्ट मसालों की नमी निकल जाए। अगर बाहर अच्छी धूप है तो मसालों को 1-2 घंटे धूप में रखा जा सकता है और फिर भूनने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। मसाले हल्के से भून गए हैं, गैस बंद कर देते हैं और मसालों को हम अलग प्लेट में निकाल लेते हैं ताकि ये जल्दी से ठंडे हो जाए। ये मेथी और सौंफ के दाने जो हमने भुने थे वो अब ठंडे हो गए हैं, तो इन्हें हम हल्का दरदरा पीसेंगे। मसाला हमने हल्का दरदरा पीस करके तैयार कर लिया है, अब हम अचार बनाएंगे। तो ये पिसे हुए मसाले हम कटे हुए आमों में डाल देंगे, नमक डाल देंगे, हींग पाउडर डाल देंगे, हल्दी पाउडर भी डाल देंगे और लाल मिर्ची पाउडर भी डाल देंगे। और अब हम डालेंगे सिरका। सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से मिलने तक मिक्स करेंगे। ये अचार में हमने सारे मसाले सिरका अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। आम के टुकड़ों पर सारे मसालों की कोटिंग अच्छे तरीके से आ गई है। हमारा अचार बन करके तैयार हो गया है, लेकिन अचार को अभी आप खा नहीं सकेंगे। अचार खाने के लिए पूरे 1 हफ्ते में तैयार होगा, जब तक आम के ये टुकड़े नरम हो जाएंगे और इनके अंदर सारे मसाले जज हो जाएंगे। अचार को आप
जिस कंटेनर में भरें उस कंटेनर को उबलते पानी से अच्छे तरीके से धोइए और धूप में सुखा लीजिए। अगर धूप नहीं है तो कंटेनर को ओवन या माइक्रोवेव में सुखा सकते हैं। कंटेनर में किसी भी प्रकार की कोई नमी नहीं रहनी चाहिए। अचार को कंटेनर में भर के रख दीजिए और पूरे 7 दिन तक दिन में रोजाना एक बार चमचे से अचार को ऊपर नीचे कर दीजिएगा। सारे मसालों को अच्छे तरीके से मिक्स कर दीजिए, क्योंकि अचार में मसाले और उनसे जो जूस निकलेगा वो सारा नीचे जा कर के बैठ जाएगा, तो वो आपको मिक्स करना होगा। 7 दिन में आम के टुकड़े एकदम नरम हो जाएंगे, इनके अंदर मसाला अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगा और अचार खाने के लिए तैयार हो जाएगा। अचार को निकालते समय जब भी अचार आप खाने के लिए निकालें तो सूखे और साफ चम्मच से निकालें। अचार बहुत दिनों तक चलते हैं, अचार में कैसी भी कोई नमी नहीं जानी चाहिए। तो आप ये बिना तेल वाला आम का अचार बनाइए, खाइए और अपने अनुभव nishamadhulika.com पर शेयर कीजिए। एक बार फिर मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, और मेरे चैनल पर सब्सक्राइब जरूर कीजिए।